उज्जैन की तराना विधानसभा में रीड न्यूज का सर्वे, कौन बनेगा विधायक? तराना विधानसभा क्षेत्र में आज जो हमारे तारागढ़ गोयल जी का नामांकन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी है और पूरे विधानसभा में, पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही उत्सुकता है कि जिसने 17 तारीख का उसे हम अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, माननीय मोदी जी के पक्ष में करें, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के पक्ष में करें। तारागढ़ गोयल जी चूंकि पहले भी पूर्व विधायक रहे हैं, वो यहाँ से बहुत ही मिलनसार है, वो बहुत ही अच्छे हैं, जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में उनकी बिल्कुल दूरी नहीं है, बहुत अच्छे प्रत्याशी है। इस बार वो भारी बहुमतों से यहाँ से चुनाव। सर, अपना तराना विधानसभा क्षेत्र से अगले विधायक कौन? देखिए, अगला विधायक हमारा स्थानीय उम्मीदवार ताराचंद जी गोयल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्य किया है अभी 15 वर्षों से। अभी लाडली बहनाओं को 1200 रुपए हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने डाला है। सभी यहाँ बहुत स्थानीय उम्मीदवार की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उम्मीदवार अभी स्थानीय है, इस वजह से ताराचंद जी भी मतलब अच्छे वोटों से जीतेंगे। मतलब बीजेपी ने 1200 दिए हैं, इस कारण आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं या फिर? नहीं, देखिए, बीजेपी ने 1200 नहीं, हर व्यक्ति को उन्होंने, हर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं लाभ दिया है बीजेपी सरकार ने, इस वजह से हमारा वोट बीजेपी को ही मिलेगा। मतलब आप गोयल जी को समर्थन करते हैं? जी, गोयल जी को फुल समर्थन। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप जी बोलिए, पूछिए, आप सवाल पूछिए। तराना विधानसभा में अभी तक जितने विकास किए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किए, ना कि महेश परमार ने, तो तराना विधानसभा के लोगों को चूतिया बना के काम किए हैं, उनको ये किए, चूतिया बनाने का काम किया, कुछ ही जनता को सारो बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ काम नहीं है। जो भी जीतेगा चुनाव जीतेंगे, ताराचंद जी गोयल जीतेंगे, इसके अन्यथा कोई जीत नहीं जीतेगा। स्थानीय चलेगा, आयातित कब तक का, परदेसी की प्रीत और फूस का तापना। ये आज ये जो रैली निकाली गई है, ये किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? आज ये रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में विधायक भी रहे तराना विधानसभा से, माननीय ताराचंद जी गोयल, आज उनका नामांकन दाखिल करना है, तो हम सभी कार्यकर्ता उस नामांकन रैली में सब आए हुए हैं। सर, आपके जो प्रत्याशी हैं वो कौन से क्षेत्र से अभी उपलब्ध हुए हैं? हमारे जो प्रत्याशी हैं, यह मूलतः तराना के ही हैं, पूर्व में भी ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान भी इसी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और लोकप्रिय हैं, प्लस यहाँ के लोकल के उम्मीदवार हैं। कितने मतों से जीत की हौसला अफजाई करते हैं आप? हम 20,000 से 25,000 मतों से विजय होने की हमारी इच्छा है और इच्छा शक्ति है सभी कार्यकर्ताओं की। सर, पिछले मतलब कि हमने सुना है कि ताराचंद जी गोयल जी जो हैं मतलब कि विधायक रह चुके हैं जी, और अभी वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने क्या क्या कार्य किया विधानसभा क्षेत्र तराना में? वर्तमान में वर्तमान के विधायक जी के द्वारा तराना तहसील को कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं मिली जिसका मैं आपको बता पाऊं कि हमारे एरिया में ऐसा कोई बड़ा काम हुआ। जो भी काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे इसके पूर्व में जो विधायक थे अपने अनिल फिरोजिया जी, उनके माध्यम से दर्जनों रोड स्वीकृत हुए, दर्जनों सेतु निगम से ब्रिज बड़े जो नदियों पे बड़े ब्रिज स्वीकृत हुए, तालाब स्वीकृत हुए। वर्तमान विधायक की ऐसी कोई बड़ी लोकप्रिय विशेषता नहीं बता पाएंगे। 5 करोड़ रुपया अकेले नांदेड़ में दे दिए थे 2007 में, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को लाए थे वो नांदेड़ में, अकेले गाँव में 5 करोड़ रुपए, हाई सेकेंडरी स्कूल नांदेड़ से माकड़न तक रोड और कई प्रकार की सौगातें भाजपा सरकार ने और ताराचंद जी ने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 में मेरे लोकल गांव नांदेड़ में आए थे, उस समय से नांदेड़ जैसे एक छोटे गांव में, नांदेड़ से देवली मार्ग डामर, नांदेड़ से कपेली मार्ग डामर, नांदेड़ से खेड़ा मार्ग डामर और एक बाईपास की हमारे गांव में विशेष करोड़ों रुपए की बड़ी उपलब्धि है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। वर्तमान को के इन्होंने, इनकी जो 18 महीने की सरकार थी, सिवाय ट्रांसफर के कुछ भी नहीं कराया और सबसे बड़ी लगे थे ये। जैसे विधायक बने थे और सरकार बनी थी तो 4 कर्मचारी ग्रीड के निकाले थे इनने, 2 कर्मचारी छात्रावास के निकाले थे और इनके आदमियों को फीड करा था। ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं, ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी साल में एक उपलब्धि, एक चद्दर सेट, एक्चुअली हम लोग किसान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो माननीय जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय
गेहूं शिवराज सिंह जी की सरकार में 11 क्विंटल प्रति बीघा तुलता है पंजीयन में। कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी तो बारदान की तो व्यवस्था दूर की बात है, 7 क्विंटल पंजीयन काट के कर दिया था, बाकी का 4 क्विंटल किसान कहां तोलेगा भावांतर में, मतलब बनियों के माध्यम से 1300-1400 में बिकता। मसूर कमलनाथ जी सरकार में पौने तीन क्विंटल लेते थे और शिवराज सिंह जी सरकार में 4.5 क्विंटल मसूर लेते हैं समर्थन मूल्य पे, वो पूरी तरह से ये मान के चलो कि फेल है। विधानसभा में ऐसी कोई बड़ी सौगात, चाहे नर्मदा जी की लाइन हो, नर्मदा जी की लाइन में ए सेक्टर के हमारे कम से कम 20 से 25 गांव काट के नर्मदा जो सिंचाई योजनाएं जो आई थी उनमें हमारे बहुत सारे दर्जनों गांव कट गए, वो दूसरे जिले में जुड़ गए, हमारे विधायक जी निष्क्रिय रहे। ताकि आवाज आज रेड न्यूज पर पहुंच रही है और जिस तरीके से कि यहाँ की तराना विधानसभा के क्षेत्र के लोकल के लोगों से जो पूछा जा रहा है, बिल्कुल किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर जी हमारा जो वर्तमान विधायक अभी जो तराना का महेश वर्मा जी थे, उन्होंने कम से कम हमारे नर्मदा जल योजना 50 गांव को काट कर दूसरे गांव में साजापुर जिला में दी, उसे बहुत परेशान है किसान। अभी तक कहां से कहां तक नर्मदा पाइपलाइन पहुंची है आपके क्षेत्र में? कहां ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र काट दिया, कम से पूरी तहसील माकड़ों तहसील नहीं बनी, उपलब्धि में पूरी तहसील काट दी उन्होंने। देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माकड़ों तहसील के जो ज्यादातर सूखे गांव थे, जिनको 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 ए ग्रेड में मिलना था, जैसे नर्मदा योजना परियोजना 2-3 सेक्टर में है ए बी सी, हम लोगों का जो तराना माकड़ों तहसील के जो गांव जुड़े हुए थे उस समय वो ए में थे, उनको ए को डाइवर्सन करके उस समय के जो जल संसाधन मंत्री थे माननीय कराड़ा जी, उनकी और इनके कुछ जो भी है ये विरोध नहीं कर पाए कि साहब हमारे जो वाकई में जो सूखा कर, जैसे आप बोल्डिया से हैं, डेलची है, पूरा बेल्ट पथरीला है और सूखा है, और माननीय अनिल जी ने इसको स्वीकृत कराया था कि हमारा जो नर्मदा परियोजना फेस ए में होना चाहिए। अब फेस ए से काट के ये जो प्रमुख गांव जो बिल्कुल सूखे हैं, पथरीली जमीन है, बिल्कुल सूखे हैं, वो फेस ए से काट के अब हमारा बी में नंबर आएगा, सी में आएगा। अब आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और फिर से हमारे गाँव जुड़े, उस योजना का हमको लाभ मिले। पचोला गांव में तो काट दिया, जय जय श्री राम। पचोला गांव में भी जो सिंचाई थी वो पाइपलाइन हमारे इधर भी नहीं आई। सबकी पीड़ा यही है कि वो एक दमदारी से एक बड़ा काम विधानसभा तराना के लिए नहीं कर पाए, सारी योजनाओं कोई बड़ी योजना एक बड़ी सौगात भी नहीं। सर अपना तराना विधानसभा क्षेत्र से अगले विधायक कौन? देखिए अगला विधायक हमारा स्थानीय उम्मीदवार ताराचंद जी गोयल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्य किया है अभी 15 वर्षों से, अभी लाडली बहनाओं को 1200 रुपये हमारी सरकार बीजेपी सरकार ने डाला है, सभी यहाँ बहुत स्थानीय उम्मीदवार की बहुत ज़्यादा जरूरत है और उम्मीदवार अभी स्थानीय है, इस वजह से ताराचंद जी भी मतलब अच्छे वोटों से जीतेंगे। मतलब बीजेपी ने 1200 दिए हैं, इस कारण आप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं या फिर? नहीं देखिए बीजेपी ने 1200 नहीं, हर व्यक्ति को उन्होंने, हर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं लाभ दिया है बीजेपी सरकार ने, इस वजह से हमारा वोट बीजेपी को ही मिलेगा। मतलब आप गोयल जी को समर्थन करते हैं? जी गोयल जी को फुल समर्थन। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आप जी बोलिए, पूछिए आप सवाल पूछिए। तराना विधानसभा में अभी तक जितने विकास किए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किए, ना कि महेश परमार ने, तो तराना विधानसभा के लोगों को चूतिया बना के काम किए हैं, उनको ये की है चूतिया बनाने का काम किया, कुछ ही जनता को सारा बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ काम नहीं है। जो भी जीतेगा चुनाव जीतेंगे, ताराचंद जी गोयली जीतेंगे, इसके अन्यथा कोई जीत नहीं जीतेगा। स्थानीय चलेगा, आयातित कब तक का, परदेसी की प्रीत और फूस का तापना, ये महेश परमार एक परदेसी है यहाँ पे आके। आज ये जो रैली निकाली गई है ये किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? आज ये रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में विधायक भी रहे तराना विधानसभा से, माननीय ताराचंद जी गोयल, आज उनका नामांकन दाखिल करना है, तो हम सभी कार्यकर्ता उस नामांकन रैली में सब आए हुए हैं। सर आप के जो प्रत्याशी है वो कौन से क्षेत्र से अभी उपलब्ध हुए हैं? हमारे जो प्रत्याशी हैं यह मूलतः तराना के ही हैं, पूर्व में भी ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान भी इसी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और लोकप्रिय हैं, प्लस यहाँ के लोकल के उम्मीदवार हैं। कितने मतों से
जिनकी हौसला अफजाई करते हैं आप? हम 20 से 25,000 मतों से विजय होने की हमारी इच्छा है और इच्छा शक्ति है सभी कार्यकर्ताओं की। सर पिछले मतलब कि हमने सुना है कि तारणचंद जी गोयल जी जो हैं मतलब कि विधायक रह चुके हैं जी, और अभी वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने क्या क्या कार्य किया विधानसभा क्षेत्र तराना में? वर्तमान में वर्तमान के विधायक जी के द्वारा तराना तहसील को कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं मिली जिसका मैं आपको बता पाऊँ कि हमारे एरिया में ऐसा कोई बड़ा काम हुआ। जो भी काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे इसके पूर्व में जो विधायक थे अपने अनिल फिरोजिया जी, उनके माध्यम से दर्जनों रोड स्वीकृत हुए, दर्जनों सेतु निगम से ब्रिज बड़े जो नदियों पे बड़े ब्रिज स्वीकृत हुए, तालाब स्वीकृत हुए। वर्तमान विधायक कैसी कोई बड़ी लोकप्रिय विशेषता नहीं बता पाएंगे। 5 करोड़ रुपया अकेले नांदेड़ में दे दिए थे 2007 में, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को लाए थे वो नांदेड़ में, अकेले गाँव में 5 करोड़ रुपए, हाई सेकेंडरी स्कूल नांदेड़ से माकड़ों तक रोड और कई प्रकार की सौगातें भाजपा सरकार ने और इन्हें तारानाथ जी ने दी। माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 में मेरे लोकल गांव नांदेड़ में आए थे। उस समय से नांदेड़ जैसे एक छोटे गांव में नांदेड़ से देवली मार्ग डामर, नांदेड़ से कपेली मार्ग डामर, नांदेड़ से खेड़ा मार्ग डामर और एक बाईपास की हमारे गाँव में विशेष करोड़ों रुपए की बड़ी उपलब्धि है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। वर्तमान को के इन्होंने इनकी जो 18 महीने की सरकार थी सिवाय ट्रांसफर के कुछ भी नहीं कराया, और सबसे बड़ी लगे थे ये। जैसे विधायक बने थे और सरकार बनी थी तो 4 कर्मचारी ग्रीड के निकाले थे इनने, 2 कर्मचारी छात्रावास के निकाले थे और इनके आदमियों को फीड करा था। ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं, ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी साल में एक उपलब्धि, एक चद्दर सेट, एक्चुअली हम लोग किसान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो माननीय जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय गेहूं शिवराज सिंह जी की सरकार में 11 क्विंटल प्रति बीघा तुलता है पंजीयन में। कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी तो बारदान की तो व्यवस्था दूर की बात है, 7 क्विंटल पंजीयन काट के कर दिया था, बाकी का 4 क्विंटल किसान कहाँ तोलेगा भावंतर में, मतलब बनियों के माध्यम से 1300-1400 में बिकता। मसूर कमलनाथ जी सरकार में पौने तीन क्विंटल लेते थे और शिवराज सिंह जी सरकार में 4.5 क्विंटल मसूर लेते हैं समर्थन मूल्य पे। वो पूरी तरह से ये मान के चलो कि फेल है। विधानसभा में ऐसी कोई बड़ी सौगात, चाहे नर्मदा जी की लाइन हो, नर्मदा जी की लाइन में ए सेक्टर के हमारे कम से कम 20 से 25 गांव काट के नर्मदा जो सिंचाई योजना जो आई थी उनमें हमारे बहुत सारे दर्जनों गांव कट गए, वो दूसरे जिले में जुड़ गए, हमारे विधायक जी निष्क्रिय रहे। ताकि आवाज आज रेड न्यूज पर पहुंच रही है, और जिस तरीके से कि यहाँ की तराना विधानसभा के क्षेत्र के लोकल के लोगों से जो पूछा जा रहा है बिल्कुल किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आदर जी, हमारा जो वर्तमान विधायक अभी जो तराना का महेश वर्मा जी थे, उन्होंने कम से कम हमारे नर्मदा जल योजना 50 गांव को काट कर दूसरे गांव में साजापुर जिला में, उसे बहुत परेशान है किसान। अभी तक कहां से कहां तक नर्मदा पाइपलाइन पहुंची है आपके क्षेत्र में? कहां ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र काट दिया, कम से पूरी तहसील माकड़ों तहसील नहीं बनी, उपलब्धि में पूरी तहसील काट दी उन्होंने। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माकड़ों तहसील के जो ज्यादातर सूखे गांव थे जिनको 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 ए ग्रेड में मिलना था, जैसे नर्मदा योजना परियोजना 2-3 सेक्टर में है ए बी सी, हम लोगों का जो तराना माकड़ों तहसील के जो गांव जुड़े हुए थे उस समय वो ए में थे, उनको ए को डाइवर्सन करके उस समय के जो जल संसाधन मंत्री थे माननीय कराड़ा जी, उनकी और इनके कुछ जो भी है ये विरोध नहीं कर पाए कि साहब हमारे जो वाकई में जो सूखा कर, जैसे आप बोल्डिया से हैं, डेलची है, पूरा बेल्ट पथरीला है और सूखा है, और माननीय अनिल जी ने इसको स्वीकृत कराया था कि हमारा जो नर्मदा परियोजना फेस ए में होना चाहिए। अब फेस ए से काट के ये जो प्रमुख गांव जो बिल्कुल सूखे हैं, पथरीली जमीन है, बिल्कुल सूखे हैं, वो फेस ए से काट के अब हमारा बी में नंबर आएगा, सी में आएगा। अब आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और फिर से हमारे गाँव जुड़े, उस योजना का हमको लाभ मिले। पचोला गांव में तो काट दिया, जय श्री राम। पचोला गांव में भी जो सिंचाई थी वो पाइपलाइन हमारे इधर भी नहीं आई। सबकी पीड़ा यही है कि वो एक दमदारी से एक बड़ा काम विधानसभा तराना के लिए नहीं कर पाए, सारी योजनाओं कोई बड़ी योजना पर एक बड़ी सौगात भी नहीं। विकास करा के 2-4 गाँव
यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दुर्गाराजी सूर्यवंशी भी रहे, यहाँ मतलब अपने बहुलाजी मालवीय राज्य मंत्री भी रहे, पर तराने में केवल ये मेन रोड का गोला ही डामर होता था। परंतु अनिल जी फिरोजिया और बीजेपी की सरकार ने यहाँ तराना तहसील में रोड पुल पुलियाओं के मामले में ये कर दिया कि वो आदमी गांव का आदमी 15 मिनट में तहसील मुख्यालय, 15 मिनट रोड, आधे घंटे में जिला मुख्यालय और संपर्क मुख्यालय, यानी कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं। विकास के मामले में बीजेपी सरकार की कोई होड़ नहीं थी, तो बच्चियां स्कूल जाती थी तो गड्ढे में सीटें उड़ते थे और बच्चियां परेशान होती थी, परंतु बीजेपी सरकार ने भय भ्रष्टाचार इससे मुक्त सरकार दी है। और दिग्विजय सिंह के समय यहाँ आष्टा में, सीहोर में, सोनकच्छ में और इंदौर में दंगे होते थे, परंतु दंगे मुक्त सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। चौकीदार सजग है तो आम पब्लिक सुरक्षित है। धन्यवाद। देखिए पहले की सरकार देखी हमने और 18 साल का विकास देखा और आप भी घूम फिर के आ रहे हो। पानी, बिजली, सड़क सब कम्प्लीट है। पहले बैंक वाले आते थे तो हमारे बेल ले जाते थे, हमारे चद्दर ले जाते, पत्रे ले जाते। अब 4% में किसान को बेल लोन देती है वो केंद्रीय गवर्नमेंट, और शिवराज मामा तो ऐसा देता है कि 1 लाख दे और 90 ले और सभी खाद बीज वगैरह सभी समस्त व्यवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। शिवराज सिंह जी की सरकार और मोदी जी की सरकार से अच्छी सरकार ना भविष्य में आएगी ना पिछली कोई थी। भारत माता की जय। खाने का सवार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उत्साह है कार्यकर्ताओं का, आपको दिख ही रहा है। सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आप विधायक बनते हैं तो अपनी तराना के लिए आप कौन सी सबसे बड़ी जो मुश्किल है, समस्या है, उसको हल करेंगे? समस्या तो हमारे सांसद जी ने, विधायक रहते, सांसद रहते, तराना विधानसभा में आज कोई भी बड़ी समस्या नहीं रही। इतना विकास किया आदरणीय सांसद जी ने कि कार्यकर्ताओं की तरफ से, तराना की जनता की तरफ से ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, वहाँ से जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर हम आदरणीय सांसद जी के और हमारे नेतृत्व में फिर से कार्यकर्ताओं के आधार पर फिर से जो जाएंगे कार्यकर्ताओं के विकास में आएंगे। नर्मदा के कटे हुए गाँव, नर्मदा के जो गांव कटे हुए हैं आदरणीय विधायक जी ने जो कटवाया है उसको फिर से जुड़वाने का काम करें ताकि किसानों को फिर से सुविधा मिल सके, हो सके। यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दुर्गाराजी सूर्यवंशी भी रहे, यहाँ मतलब अपने बहुलाजी मालवीय राज्य मंत्री भी रहे, पर तराने में केवल ये मेन रोड का गोला ही डामर होता था। परंतु अनिल जी फिरोजिया और बीजेपी की सरकार ने यहाँ तराना तहसील में रोड पुल पुलियाओं के मामले में ये कर दिया कि वो आदमी गांव का आदमी 15 मिनट में तहसील मुख्यालय, 15 मिनट रोड, आधे घंटे में जिला मुख्यालय और संपर्क मुख्यालय, यानी कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं। विकास के मामले में बीजेपी सरकार की कोई होड़ नहीं थी, तो बच्चियां स्कूल जाती थी तो गड्ढे में सीटें उड़ते थे और बच्चियां परेशान होती थी, परंतु बीजेपी सरकार ने भय भ्रष्टाचार इससे मुक्त सरकार दी है। और दिग्विजय सिंह के समय यहाँ आष्टा में, सीहोर में, सोनकच्छ में और इंदौर में दंगे होते थे, परंतु दंगे मुक्त सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। चौकीदार सजग है तो आम पब्लिक सुरक्षित है। धन्यवाद। देखिए पहले की सरकार देखी हमने और 18 साल का विकास देखा और आप भी घूम फिर के आ रहे हो। पानी, बिजली, सड़क सब कम्प्लीट है। पहले बैंक वाले आते थे
तो हमारे बेल ले जाते थे, हमारे चद्दर ले जाते, बदरे ले जाते। अब 4% में किसान को बेल लोन देती है वो केंद्रीय गवर्नमेंट, और शिवराज मामा तो ऐसा देता है कि 1 लाख दे और 90 ले बिना ब्याज, और सभी खाद बीज वगैरह सभी समस्त व्यवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। शिवराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार से अच्छी सरकार ना भविष्य में आएगी ना पिछली कोई थी। भारत आज ये जो रैली निकाली गई है ये किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? आज ये रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में विधायक भी रहे तराना विधानसभा से, माननीय ताराचंद जी गोयल, आज उनका नामांकन दाखिल करना है, तो हम सभी कार्यकर्ता उस नामांकन रैली में सब आए हुए हैं। सर आप के जो प्रत्याशी हैं वो कौन से क्षेत्र से अभी उपलब्ध हुए हैं? हमारे जो प्रत्याशी हैं यह मूलतः तराना के ही हैं, पूर्व में भी ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान भी इसी विधानसभा से प्रत्याशी हैं और लोकप्रिय हैं, प्लस यहाँ के लोकल के उम्मीदवार हैं। कितने मतों से जीत की हौसला अफजाई करते हैं आप? हम 20,000 से 25,000 मतों से विजय होने की हमारी इच्छा है और इच्छा शक्ति है सभी कार्यकर्ताओं की। सर पिछले मतलब कि हमने सुना है कि तारणचंद जी गोयल जी जो है मतलब कि विधायक रह चुके हैं जी, और अभी वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने क्या क्या कार्य किया विधानसभा क्षेत्र तराना में? वर्तमान में वर्तमान के विधायक जी के द्वारा तराना तहसील को कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं मिली जिसका मैं आपको बता पाऊं कि हमारे एरिया में ऐसा कोई बड़ा काम हुआ। जो भी काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे इसके पूर्व में जो विधायक थे अपने अनिल फिरोजिया जी, उनके माध्यम से दर्जनों रोड स्वीकृत हुए, दर्जनों सेतु निगम से ब्रिज बड़े जो नदियों पे बड़े ब्रिज स्वीकृत हुए, तालाब स्वीकृत हुए। वर्तमान विधायक की ऐसी कोई बड़ी लोकप्रिय विशेषता नहीं बता पाएंगे। 5 करोड़ रुपया अकेले नांदेड़ में दे दिए थे 2007 में, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को लाए थे वो नांदेड़ में, अकेले गाँव में 5 करोड़ रुपए, हाई सेकेंडरी स्कूल नांदेड़ से मापड़न तक रोड और कई प्रकार की सौगातें भाजपा सरकार ने और इन्हें ताराचंद जी ने दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 में मेरे लोकल गांव नांदेड़ में आए थे। उस समय से नांदेड़ जैसे एक छोटे गांव में, नांदेड़ से देवली मार्ग डामर, नांदेड़ से कपेली मार्ग डामर, नांदेड़ से खेड़ा मार्ग डामर और एक बाईपास की हमारे गाँव में विशेष करोड़ों रुपए की बड़ी उपलब्धि है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। वर्तमान को के इन्होंने इनकी जो 18 महीने की सरकार थी सिवाय ट्रांसफर के कुछ भी नहीं कराया, और सबसे बड़ी लगे थे ये। जैसे विधायक बने थे और सरकार बनी थी तो 4 कर्मचारी ग्रीड के निकाले थे इनने, 2 कर्मचारी छात्रावास के निकाले थे और इनके आदमियों को फीड करा था। ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं, ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं, और सबसे बड़ी साल में एक उपलब्धि एक चद्दर सेट। एक्चुअली हम लोग किसान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो माननीय जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय गेहूँ शिवराज सिंह जी की सरकार में 11 क्विंटल प्रति बीघा तुलता है पंजीयन में। कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी तो बारदान की तो व्यवस्था दूर की बात है, 7 क्विंटल पंजीयन काट के कर दिया था, बाकी का 4 क्विंटल किसान कहाँ तोलेगा भावंतर में, मतलब बनियों के माध्यम से 1300-1400 में बिकता। मसूर कमलनाथ जी सरकार में पौने तीन क्विंटल लेते थे और शिवराज सिंह जी सरकार में 4.5 क्विंटल मसूर लेते हैं समर्थन मूल्य पे। वो पूरी तरह से ये मान के चलो कि फेल है। विधानसभा में ऐसी कोई बड़ी सौगात, चाहे नर्मदा जी की लाइन हो, नर्मदा जी की लाइन में ए सेक्टर के हमारे कम से कम 20 से 25 गांव काट के नर्मदा जो सिंचाई योजनाएं जो आई थी उनमें हमारे बहुत सारे दर्जनों गांव कट गए, वो दूसरे जिले में जुड़ गए, हमारे विधायक जी निष्क्रिय रहे। ताकि आवाज आज रेड न्यूज पर पहुंच रही है, और जिस तरीके से कि यहाँ की तराना विधानसभा के क्षेत्र के लोकल के लोगों से जो पूछा जा रहा है बिल्कुल किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर जी हमारा जो वर्तमान विधायक अभी जो तराना का महेश वर्मा जी थे, उन्होंने कम से कम हमारे नर्मदा जल योजना 50 गांव को काट कर दूसरे गांव में साझापुर जिला दी, उसे बहुत परेशान है किसान। अभी तक कहां से कहां तक नर्मदा पाइपलाइन पहुंची है आपके क्षेत्र में? कहां ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र काट दिया, कम से पूरी तहसील माकड़ोन तहसील नहीं बनी उपलब्धि में, पूरी तहसील काट दी उन्होंने। देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माकड़ोन तहसील के जो ज्यादातर सूखे गांव थे जिनको 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 ए ग्रेड में मिलना था, जैसे नर्मदा योजना परियोजना 2-3 सेक्टर में है ए बी सी, हम लोगों का जो तराना माकड़ोन तहसील के जो गांव जुड़े हुए थे उस समय वो ए में थे, उनको ए को डायवर्सन करके उस समय के जो जल संसाधन मंत्री थे माननीय कराड़ा जी,
उनकी और इनके कुछ जो भी है ये विरोध नहीं कर पाएगा साहब। हमारे जो वाकई में जो सूखा कर, जैसे आप बोल्डिया से हैं, डेलची है, पूरा बेल्ट पथरीला है और सूखा है, और माननीय अनिल जी ने इसको स्वीकृत कराया था कि हमारा जो नर्मदा परियोजना फेस ए में होना चाहिए। अब फेस ए से काट के ये जो प्रमुख गाँव जो बिल्कुल सूखे हैं, पथरीली जमीन है, बिल्कुल सूखे हैं, वो फेस ए से काट के अब हमारा बी में नंबर आएगा, सी में आएगा। अब आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और फिर से हमारे गांव जुड़े, उस योजना का हमको लाभ मिले। पचोला गांव भी तो काट दिया, जय जय श्री राम। पचोला गांव में भी जो सिंचाई थी वो पाइपलाइन हमारे इधर भी नहीं आई। सबकी पीड़ा यही है कि वो एक दमदारी से एक बड़ा काम विधानसभा तराना के लिए नहीं कर पाए। सारी योजनाओं, कोई बड़ी योजना, एक बड़ी सौगात भी नहीं। नामांकन भरने जा रहे हैं ताराचंद जी गोयल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। कितने मतों से जीतने की हौसला तय हो रही है अपनी? अरे सामने वाला उम्मीदवार तो दौड़ से बाहर हो गया है, वो हर गांव में चार आदमी साथ में रखता है तराना तहसील के छोड़ के, और मीडिया वाले के सामने खड़ा कर देता है। लोकल उसके पास कोई बाइट देने वाले आदमी नहीं है। आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम है वासुदेव पांडे, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश फिर से, और तारानाथ जी बहुत अच्छे आदमी विधायक बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की सभी मुल्कों की सरकार बनेगी। विधायक रह चुके, उन्होंने जितना कार्य कराया है ऐसा कोई कार्य कोई करा नहीं सकता। अभी वर्तमान जो विधायक जी है ये केवल बैठने के लिए जाते हैं, पूजा नृत्य में चले जाते हैं, मोशन में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, ये तो बता नहीं है उनको। एक रुपया भी किसी गांव में दे तो बता दो इसको कैसे वोट दे दे। विधायक रह चुके, उन्होंने जितना कार्य कराया है ऐसा कोई कार्य कोई करा नहीं सकता। अभी वर्तमान जो विधायक जी है ये केवल बैठने के लिए जाते हैं, पूजा नृत्य में चले जाते हैं, मोशन में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, ये तो बता नहीं है उनको। एक रुपया भी किसी गांव में दे तो बता दो इसको कैसे वोट दे दे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।